तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे होममेड सांभर मसाला, जो बाजार से भी बहुत बढ़िया बनेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गीता की रसोई में। तो आज फिर हम हाजिर हैं आपके लिए कुछ खास रेसिपी लेके, जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फायदेमंद है और घर पे बनाने से बहुत ही सस्ती पड़ती है, और हम बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे और आसान तरीके से उसको घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और मेरी रेसिपी का इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज क्या बनने वाला है। तो चलिए, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपको पसंद नहीं आती है तो उसमें क्या कमी आपको दिखाई देती है मुझे ये भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज़ का ध्यान रखूं। तो करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। देखिए, आज हमने लिया है कुछ सामान, तो जिसमें आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे आज हम बनाएंगे होममेड सांभर मसाला, जिसके लिए लिए हैं हमने सब तैयारी करी है। सबसे पहले लिए हैं हमने मेथी दाना, जो लगभग 2 चम्मच है। 2 चम्मच लिए हैं हमने सफ़ेद उड़द दाल। लगभग 2.5 से 3 चम्मच लिए है हमने चना दाल। 2 चम्मच लिया है हमने नारियल का बुरादा। 1 चम्मच लिया है जीरा, और लगभग 3 से 4 चम्मच लिया है हमने साबुत धनिया, और ली है हमने 5 सूखी मिर्ची, और लिया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो अभी हम सब इन मसालों को स्लो मीडियम गैस पे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो चलिए, कढ़ाई रख देते हैं। तो आप देखिए, कढ़ाई हमने रख दी है। सभी मसालों को एक साथ हम डाल देंगे और इसको हम स्लो मीडियम गैस पे बिल्कुल ही हल्के आंच पे अच्छे अच्छे से हिलाते हुए रोस्ट करेंगे, ताकि हमारे सब मसाले बहुत अच्छे से भून जाएं, जब तक इनमें से बहुत अच्छे से खुशबू ना आने लगे। तो अब देखिए, बिल्कुल गैस स्लो पे हम इसको हिलाते हुए चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। नारियल की और कड़ी पत्ते की बहुत अच्छे से खुशबू आने लगी है, पर अभी हम इसको स्लो पे तब तक भूनेंगे जब तक हमारी दालें अच्छे से भून ना जाएं। बिल्कुल स्लो पे भूनना है, नहीं तो हमारा मसाला कहीं से जल जाएगा। अगर तेज़ रखेंगे तो जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। स्लो पे अच्छे से मसाला हमारा भून के तैयार हो जाएगा, और बहुत ही जो सांभर में डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जीरे की क्वांटिटी आप इसमें कम ही रखें, जीरा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अगर आप चाहें तो दालों को पहले अलग से भी भून सकते हैं और बाद में मसाले डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सबको मिक्स करके ही स्लो गैस पे भून सकते हैं। होममेड मसाला हमारा बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही बहुत अच्छी क्वांटिटी बन जाती है। और बाज़ार से अगर हम 10 रुपये का पैकेट भी लेते हैं तो उसमें मुश्किल से कम 1.5 से 2 चम्मच मसाला होता है, जो हमारा लगभग 1 या 2 बार से डल के ख़त्म हो जाता है। तो आप इस तरीके से बनाइए, सब थोड़ा थोड़ा सामान डल के बहुत अच्छा मसाला, और लगभग 1 महीना या उससे ज़्यादा भी हमारा चल जाता है। आप ज़रूरी नहीं है कि इसको सांभर में डालें, आप दूसरी सब्जियों में भी थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, जिससे सब्जियों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप देखिए, मसाला हमारा पूरा अच्छे से भून गया है। बिल्कुल स्लो मीडियम गैस पे भूनेंगे इसको हम। दालें भी हमारी अच्छे से लाल हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी अच्छे से, बहुत अच्छे खुशबू आ रही है, पूरे घर में मसाले की खुशबू फैल रही है। आप देखिए, सब चीज़ें हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अभी इसको हम कढ़ाई में से निकाल के ठंडा कर लेते हैं। तो
तो देखिए मसाले को हमने अच्छे से प्लेट में निकाल लिए हैं, पूरा फैला देते हैं और इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और गर्म में कभी नहीं पीसें आप, नहीं तो सारा उड़ के वो आपके ऊपर गिर सकता है। ये चांस ऐसा एक बार मेरे साथ हो चुका है, तो आप ये गलती ना करें। एक बार गलती करने से मुझे ये हमेशा याद रहता है कि दोबारा मैंने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तब मेरा पूरा मुंह, पूरा गर्दन वगैरह सब जल गई थी और जिसको ठीक होने में भी काफ़ी समय लग गया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बात का ख़ास ध्यान रखें, नहीं तो जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता था। मैं जानती थी जबकि कि गर्म में नहीं पीसना है, पर फिर भी जल्दबाजी के चक्कर में मैंने ऐसी गलती कर दी जिसका मुझे बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा था। तो नेक्स्ट टाइम से सोच लिया कि ऐसी गलती, ऐसी जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, तो आप भी मत कीजिएगा। तो कर लेते हैं इसको ठंडा। तो देखिए हमारा मसाला पूरा ठंडा हो गया अच्छे से, अब हम इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। तो अब देखिए सारा हमने उसमें डाल लिया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची और साथ में डालेंगे लगभग आधी चम्मच हल्दी। अब हम इसको मिला के पीस लेंगे। ये मसाला हमारा 2 से 3 महीने आराम से चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। अगर आपका नहीं यूज़ होता है, यूज़ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। अगर नहीं यूज़ होता है तो भी आपका 2 से 3 महीने ये मसाला ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप देखिए कितना ही बढ़िया हमारा सांभर मसाला घर पे ही फटाफट से बन के तैयार है, और इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं, सिर्फ थोड़े थोड़े मसालों से हमारा कितना सारा बन के तैयार हो गया है। निकाल लेते हैं इसको। तो आप देखिए कितना मसाला हमारा बन के तैयार है, बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे सांभर में। सब्जियों में भी डालना चाहें तो सब्जियों में भी डाल सकते हैं आप, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये घर का पिसा बाज़ार का एक बार जल्दी ख़राब हो सकता है, क्योंकि हमको नहीं मालूम रहता है कि बाज़ार में कितना पुराना मसाला है, कब बना है। भले कितनी बार तो ऐसा होता है कि डेट दूसरी डाल दी होती है और अंदर से मसाला ख़राब होता है। तो घर के पिसे मसाले से फ्लेवर भी अच्छा आएगा और आपको अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ मिलेगी, जिससे घर की चीज़ें भी बहुत अच्छी बनेंगी। तो आप भी बनाइए मेरे तरीके से, और अगर आप भी बनाते हैं तो आप किस तरीके से बनाते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और करिए अगली रेसिपी का इंतज़ार। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तो फिर बाय बाय।